नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। और शिमला से आज मैं पहुँचा हूँ जाखू मंदिर। जी हाँ, ये वही टेंपल है जिसकी मूर्ति, हनुमान जी की एक मूर्ति, जो शिमला की माल रोड से दिखती है ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पे, ये वही मंदिर है। शिमला से यहाँ पहुँचने के लिए आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं और टैक्सी भी आप करके आ सकते हैं, या एक वॉकिंग ट्रेल भी है उससे भी आप आ सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप टैक्सी हायर करें और उसी से आएँ, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा नैरो है और छोटी गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से आ पाती हैं। और मैंने जो टैक्सी की थी उसका लगभग किराया लगा था 600 रुपये आने जाने का और एक घंटा स्टे करने का। इन सीढ़ियों पे चलते हुए एक चीज़ जो मैंने गौर किया कि चारों तरफ पूरा घना जंगल है। और यहाँ पर जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये पूरा शिमला है जो बहुत ही छोटा दिख रहा है इतनी ऊंचाई से। मंदिर के बाहर ही पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और जैसे ही आप मंदिर के परिसर में एंटर होंगे, लगभग 100 से 150 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद जाकर आप मेन मंदिर परिसर है उसमें आप एंटर होंगे। और एंटर होते के साथ ही आपको एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति का दर्शन होगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। और आज हिमाचल के इस टूर में मैं आप पहुंचा हूं जाखू टेंपल शिमला में और हमारे साथ हैं पंडित जी। तो पंडित जी, आप इस जो मंदिर है इसका महत्व और कुछ इतिहास के बारे में बताएं हमें। जी, ये जाखू जो हनुमान जी का मंदिर है, ये बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जब लंका में युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उसमें राम भक्त हनुमान जी उनकी प्राण रक्षा के लिए यहाँ पे संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा। जो आकाश मार्ग से आ रहे थे तो उनकी दृष्टि यहाँ पर तपस्या लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। कालांतरों के उनके नाम से ही यक्ष जाखू स्थान का नाम ऋषि के नाम से जाखू पड़ गया था। जी, हनुमान जी को बूटी का परिचय मालूम नहीं था, इसलिए वो ऋषि जी के पास आए और उन्होंने पूछा कि बूटी कहाँ मिलेगी। जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि ये संजीवनी बूटी आपको द्रोणागिरी पे मिलेगी। तो हनुमान जी अपना साध्य प्राप्ति के लिए यहाँ से शीघ्र चले गए द्रोणागिरी की ओर, क्योंकि समय का अभाव था, सूर्योदय होने से पूर्व उनको वापस लंका पहुँचना था। उनके साथ कुछ साथी भी आए थे लेकिन सफ़र लंबा था, वो यहीं पर रह गए और निद्राग्रस्त हो गए। हनुमान जी ने वापस में यहाँ से आने का वादा किया लेकिन आगे वो काल नियम के चक्कर में लेट हो गए और वो अयोध्या होते छोटे मार्ग से चले गए, यहाँ से वापसी में नहीं आए। तो जो ऋषि जी यहाँ थे वो असमंजस में पड़ गए कि हनुमान जी क्यों नहीं आए। तो हनुमान जी ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक स्वयंभू मूर्ति जो उस टाइम प्रकट हुई उसके माध्यम से दर्शन दिए और ना आने के कारण समय का अभाव बताया। जी, तो जो वो उनके उत्तराधिकारी तो यहीं पर रह गए उनके इंतजार में, और उनके जो ये आप देख रहे हैं वानर सेना, उनके उत्तराधिकारी हैं ये। और ये चारों मतलब 12 महीने और 24 घंटे इस मंदिर के आसपास विचरण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी, यहाँ पे लिखा है कि 25 सेकंड से ज़्यादा आप अपने स्थान पे खड़े ना रहें दर्शन के उपरांत। जी, तो उसका क्या महत्व है? उसका ये ना कि सोशल डिस्टेंस की, जैसे आपने जब कोविड चल रहा युग चला हुआ है
तो एक वैश्विक महामारी है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना और हाथ को सैनिटाइज करना बार बार, ये दो तीन बातें, ये कोविड की वजह से, कोविड की वजह से जी, जब जब कोविड चले तब तक रहे, उसके बाद आप दर्शन बड़े आराम से अंदर जाके कर सकते हैं और जितने समय तक करना चाहे कर सकते हैं। और कोई ऐसी महत्वता इस मंदिर की जो खाली सिर्फ इस मंदिर की महत्वता हो, हनुमान जी के? देखो महत्व तो ये कह रहे हैं, हनुमान जी का ये सिद्ध पीठ है, हनुमान जी आप स्वयं उनका ये अपना आप सेलेक्ट किया स्थान है, ऐसे नहीं किसी ने निर्माण, जो ऋषि थे उस टाइम उस में उनको स्मृति को वर्तमान से इस मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन ये हनुमान जी यहाँ स्वयं थे इसलिए इसका बड़ा महत्व है कि सिद्ध पीठ है हनुमान जी का। वैसे तो आप कहीं भी निर्माण करते हैं लेकिन ये हनुमान जी यहाँ स्वयं है इसलिए इसका बड़ा महत्व है। अच्छा, और जब शिमला में बर्फ पड़ जाती है तो ये क्या 12 महीने मंदिर खुला रहता है या बंद भी होता है बर्फ पड़ने के टाइम पे? नहीं जी, ये 12 महीने खुला रहता है, चाहे बर्फ कितनी पड़ जाए मंदिर हमेशा खुला रहता है, ये 4 बजे खुलता है और शाम को, ये सर्दियों में तो थोड़ा जल्दी 7:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन गर्मी में तो ये 8:30 बजे खुला रहता है। अच्छा, और यहाँ के आरती के कुछ टाइमिंग्स आप हमें बताएंगे? जी, सुबह का तो जो आरती का समय है वो फिक्स है 7 बजे का, कोई भी समय हो, सर्दी गर्मी बरसात का मौसम हो, लेकिन सायंकालीन जो आरती का समय वो बदलता रहता है, जैसे सूर्यास्त होता है ना जी, संध्या वेले उस टाइम आरती होती है, जैसे आजकल 5:30 के आसपास सूर्यास्त हो रहा है तो आरती भी 5:30 पौने के आसपास शुरू होती है, और बाकी गर्मियों में जैसे 7:30 होता है तो उस टाइम होती है, लेकिन सुबह का टाइम फिक्स 7 बजे का है। तो आपने हमें इतनी एक वैल्यूएबल जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम। मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये आपको गार्डन देखने के लिए मिल जाएगा, और इस गार्डन के पीछे जो पूरी हिमालयन रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से श्रीखंड महादेव वाला पर्वत भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा बहुत दूर, और कुछ देर आप आके यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, शांति का अनुभव करने का मन है वो यहाँ आके 15 से 20 मिनट इतना आराम से आके बैठ सकते हैं। शर्मा जी मौजूद हैं जो यहाँ के मेयर हैं, तो आइए इनसे जानते हैं थोड़े से यहाँ आने के रूल रेगुलेशन या रास्ते क्या हैं जिन जिन से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जी, मेरा नाम मदन शर्मा, मैं जाखू मंदिर में प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ। जाखू मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहाँ पे जो है काफ़ी स्टेटों से जो है लोग आते हैं, यहाँ आने के लिए रोपवे की सुविधा भी है, HRTC की टैक्सी भी आती है और अपना प्राइवेट व्हीकल भी आप ला सकते हैं। जी, तो किन किन चीज़ों का ध्यान लोग आते हुए यहाँ पे रखें जो पर्यटक आ रहे हैं? देखो, इस टाइम तो कोरोना महामारी जो है पूरे विश्व में चली रही है, अपना मास्क सही तरीके से लगाएं, सैनिटाइज करें और जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन रखें। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, यहाँ आने के लिए जो ट्रैक है वो कितने मिनट का है, कहाँ से है और कितना उसका रास्ता है? ये जो चर्च है हमारी शिमला की, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो है मतलब 18 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आदमी पहुंच सकता है। और जो प्राइवेट टैक्सी हैं? प्राइवेट टैक्सियाँ जो है वो लगभग 20 मिनट में यहाँ पहुंच जाती हैं जी। और यहाँ अगर अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आना अगर कोई चाहता है तो उसके लिए रास्ता कैसा है? अलाउड है, सब अलाउड है, बीड्स कॉलेज है उसके साथ से ही यहाँ के लिए जो है रास्ता आता है और सब अलाउड है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी है। आपने जितनी हमारी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी ज़्यादा की है यहाँ सर ने, तो उसके लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री।